अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए निर्मम दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन पर एक शक्तिशाली संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हुए शाह ने सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों से नवीन उपाय अपनाने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि नए आतंकवादी संगठन उभर न सकें। अपने संबोधन के दौरान शाह ने NIA के दायरे में एक मॉडल आतंकवाद विरोधी संरचना की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के पदानुक्रम संरचना और मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को मानकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। जैसा कि गृह मंत्री ने बताया, प्राथमिक उद्देश्य नए आतंकवादी संगठनों के गठन को रोकना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक प्री कॉन्फ्रेंस बयान में शाह ने देश के आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार के दृष्टिकोण की आधारशिला रही है। NIA द्वारा आयोजित तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य अन्य राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के साथ घनिष्ठ समन्वय को बढ़ावा देते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित करना है। आतंकवाद से निपटने में क्रूर दृष्टिकोण और नवीन सोच के लिए अमित शाह का आह्वान राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है। यह सम्मेलन आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।